मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने समझा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो क्या होती हैं और उनका क्या मतलब है हमारे इस पृथ्वी पर, ग्लोब पर जो हम लोग बना हुआ देखते हैं उसका क्या मतलब होता है। अब आगे चलते हैं, इसी कड़ी में ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर हम लोग समझते हैं, विंड्स, हवा। हवा जो है आपके पृथ्वी के ऊपर चलती है और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से चलती है और इस पर पृथ्वी के घूर्णन का भी प्रभाव होता है। उन सब चीज़ों को हम लोग एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि किस प्रकार से हवा का संचरण होता है। तो हवा के संचरण के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है कि पृथ्वी पर विभिन्न दाब क्षेत्र बने, प्रेशर बेल्ट बने। जिस प्रकार से पानी का प्रवाह एक ढाल के साथ होता है, उसी प्रकार से हवा भी ढाल के सहारे बहती है। लेकिन हवा में ढाल के लिए जिस तरह से पानी में ढाल की जरूरत होती है, वैसी जरूरत नहीं होती है। हवा में दाब का ढाल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी क्षेत्र में, मान लीजिए यहाँ लो प्रेशर है और इसके बाहर की तरफ जैसे जैसे बाहर जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है और बाहर हाई प्रेशर है, तो इस कंडीशन में हवा बाहर से अंदर की तरफ आएगी या अगर किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, एक क्षेत्र में अलग अलग बेल्ट हैं और इस क्षेत्र में हाई प्रेशर का क्षेत्र है तो हवा यहाँ से बाहर की तरफ चलेगी, अगर इस तरफ लो प्रेशर का क्षेत्र रहता है तो इस प्रकार से हवा चलती है। तो हवा के चलने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर जिधर ज़्यादा होगा उधर से कम प्रेशर की तरफ प्रवाह रहेगा। तो हवा के बहाव के लिए जो सबसे ज़रूरी शर्त है वो है प्रेशर। प्रेशर जब भी चेंज होगा, हवा का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ग्लोब पर समझते हैं। आगे हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है, ये सेंटर में 0 डिग्री की लाइन विषुवत रेखा है, दो हिस्सों में ऊपर और नीचे की तरफ पृथ्वी बटी हुई। जिस क्षेत्र में सूरज की सीधी किरण पड़ती है वहाँ गर्मी की स्थिति रहती है, वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है और वहाँ से हवा ऊपर उठती है और इस प्रकार से लो बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम मान लें कि अभी पृथ्वी पर इस स्थान पर, मतलब 0 डिग्री की लाइन पर सूरज की सीधी किरण पड़ रही है, तो यहाँ से हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। ऊपर उठती हुई हवाएं थोड़े दूर तक ऊपर तो जाती रहती हैं लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती हैं और वो फिर ठंडी होकर नीचे गिरती है, नीचे उतरने लगती है। इस स्थिति को, जिसमें ये नीचे से ऊपर जाते हुए ठंडी होती है, इसे नॉर्मल कोलैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और इस प्रकार से हवा ठंडी होकर वापस पृथ्वी पर उतर आती है। जिस स्थान से हवा ऊपर उठ रही है ये स्थान लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है और ऐसी प्रक्रिया दोनों ही गोलार्धों में होती है। जिस स्थान पर ये हवाएं बैठती हैं उस स्थान पर प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवाएं जब बैठ रही होती हैं तो उस क्षेत्र में दबाव बढ़ जाता है। बैठती हुई हवाओं का संचरण पृथ्वी के समानांतर होना शुरू हो जाता है और कुछ हिस्से की हवा इस लो प्रेशर बेल्ट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि कुछ दूसरे डायरेक्शन में भी चली जाती है। यहाँ भी ये प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार से एक चक्रीय व्यवस्था दोनों
ही गोलार्धों में शुरू हो जाती है। इस तरीके से धरातल पर हवाएं चलती हैं। इन हवाओं का संचरण लगभग पूरे ग्लोब पर होता है, इस वजह से इन हवाओं को ग्लोबल विंड्स कहते हैं, वैश्विक पवन कहते हैं। इसी प्रकार से जिस स्थान पर ठंडे का समय है, सबसे अधिक ठंड हो रही है, हवा यहाँ ठंडी होकर नीचे बैठ रही होती है। हवा नीचे बैठने के साथ साथ धरातलीय सतह को पकड़कर आगे बढ़ती है। दोनों ही तरफ से हवाएं आगे बढ़ती बढ़ती एक स्थान पर ऊपर टकराती हैं और टकराने के बाद इनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं होता है और ये पुनः ऊपर उठकर आगे चलती है। इस प्रकार से ये व्यवस्था एक सेल का रूप दे देती है। इस सेल को जो सबसे पहले हमने बात किया, इसको हेडली सेल, हेडली कोशिका, या इसी तरीके से दोनों ही गोलार्ध में बनने वाली ये स्थिति चक्रीय स्थिति थ्री सेल थ्योरी के रूप में जानी जाती है। और इसमें तीन सेल उत्तरी गोलार्ध में और तीन सेल दक्षिणी गोलार्ध में बनते हैं। और उठती हुई हवाएं चूंकि लो प्रेशर बनाती हैं, तो यहाँ भी ये हवाएं लो प्रेशर की स्थिति में रहेंगी। ध्रुवों पर बैठ रही है हवा, हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा। यहाँ पर इन हवाओं का चक्रीय व्यवस्था संवहनी धारा की वजह से होती है। कन्वेक्शनल करंट इस धारा की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण सूरज से आने वाली ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की वजह से पृथ्वी के सतह की हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। फिजिक्स के रूल के अनुसार, जिसको हम लोग कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, ये प्रक्रिया पूरी होती है। इस वजह से इन हवा की धाराओं को संवहनी धारा कहते हैं। जीरो डिग्री लाइन के आसपास लगभग 5 डिग्री का क्षेत्र, जहां पर धरातलीय हवाओं का अभाव हो जाता है, सतह से चलने वाली हवा जो इधर से आगे बढ़ रही थी, ये 5 डिग्री पर आते आते ऊपर उठ जाती है, और इस तरफ से जो हवा आ रही थी वो भी 5 डिग्री पर आते आते ऊपर उठ जाती है। इसके बीच में सतह के समानांतर हवाएं नहीं चलती है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति वहाँ हो तो उसे हवा चलती हुई महसूस नहीं हो। इस पूरे 10 डिग्री को 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण तक की स्थिति को हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम का सामान्य शाब्दिक अर्थ उधेर गुण होता है, मतलब आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, क्या करें, तो हम उसे डोल्ड्रम कहते हैं। यहां पर भी वैसी स्थिति है। पुराने जमाने में जब हवाएं पाल के माध्यम से नाव को चलाती थी और धरातलीय सतह पर अगर हवा न चले तो पाल का कोई फायदा नहीं होता था, उस समय नाविक इस बात की स्थिति में फंस जाते थे आगे चले या वापस लौट जाए, इसलिए नाविकों ने इसका नाम रख दिया डोल्ड्रम। 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण तक ये हवा जब उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है या दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है तो इस पर एक खास इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो मुड़ने की स्थिति को आप इस प्रकार से समझें कि हमारी पृथ्वी चूंकि घूम रही है तो उसमें जो विचलन होगा, डेविएशन होगा उसके डायरेक्शन में, वो उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार से और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार से होगा।
इस चीज को दूसरे तरीके से आप समझें कि अगर कोई हवा यहाँ से चलनी शुरू होती है जो ठीक अपने सामने यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ये इस स्थान तक पहुँचने की कोशिश में आगे बढ़ेगी, ये स्थान यहाँ आ चुका होगा। और इस प्रकार से वास्तविक रूप से ये अपने वास्तविक स्थान से पीछे वाले स्थान पर ही पहुंच पाएगी। यह स्थान आगे बढ़ चुका है और यह सीधे चलती हुई हवा जिस स्थान पर पहुंची वो स्थान इसके पीछे की थी। इसका मतलब इसका डेविएशन बाएं में, और इस तरफ से अगर देखें तो इसका डेविएशन दाएं दाएं की ओर हो जाएगा। इस पद्धति को जिसमें हवा का डेविएशन होता है, सबसे पहले कोरियोलिस महोदय ने इसे समझाया। कोरियोलिस महोदय ने बताया कि पृथ्वी की सतह पर चलती हुई हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन वह इस बात को समझा नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी पर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। इस बात को समझाने के लिए आगे फेरेल ने अपना कंसेप्ट दिया, अपना प्रिंसिपल दिया, और उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो इसलिए इसे कोरियोलिस फोर्स अथवा इसके प्रिंसिपल को फेरेल्स लॉ कहते हैं, जिसमें उत्तर गोलार्ध में हवा अपने से दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में हवा अपने से बाईं ओर विचलित होती है, डेविएट हो जाती है। इस तरीके से जो हवा चल रही है तो इसका जो विचलन है इस तरफ है, इन हवाओं को ट्रेड विंड व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक इसी वस्तुस्थिति का अनुसरण करते हुए जब यहाँ से हवा आगे चलेगी तो इसका डेविएशन भी दाईं ओर होगा और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ये डायरेक्शन आगे आते आते इतना हो जाएगा कि ये लगभग इसके पैरेलल हो जाती है। और इस तरीके से इसका जो मूवमेंट है वो पश्चिम से पूरब की तरफ हो गया, तो ये पछुआ पवन कही जाती है, वेस्टर्लीज बन जाती है। यहां पर भी जब डेविएशन यहां से है और बाईं तरफ डेविएशन है तो इसका डेविएशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहां भी ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसे भी वेस्टर्ली पछुआ पवन कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में भी पछुआ पवन, दक्षिणी गोलार्ध में भी पछुआ पवन, उत्तरी गोलार्ध में भी ट्रेड विंड और दक्षिणी गोलार्ध में भी ट्रेड विंड एक साथ चलते हैं। ध्रुवों से चलने वाली हवा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जब सतह पर चलती है तो इसका विचलन भी बाईं तरफ होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से इसका विचलन होता है, इस प्रकार से ये घूम जाती है। ठीक यहाँ से भी जो हवा चल रही है वो कुछ इस प्रकार से मूव करती है। इस समय ये हवा पूरब से पश्चिम की तरफ आती प्रतीत हो रही है, इस वजह से इसका नामकरण स्टर्लीज कहते हैं। ये पूर्वी पवन उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में ही पूर्वी पवन। तो इस प्रकार से तीन बड़े बड़े क्षेत्र दोनों ही गोलार्धों में, ट्रेड विंड, पछुआ पवन और पूर्वी पवन के द्वारा बनाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी। और इन्हीं तीनों धाराओं को, वायु धाराओं को हम लोग ग्लोबल विंड्स कहते हैं। इन क्षेत्रीय ट्रेड विंड्स और
उत्तर में भी ट्रेड विंड्स के द्वारा प्राचीन काल में पाल से चलने वाले नाव को बहुत सहायता मिलती थी और व्यापार में बहुत ही सहायक थे, इस वजह से इनका नाम ट्रेड विंड रख दिया। यहाँ पे हवाओं के चलने के विचलन में बायां और दायां का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। बायां और दायां का मतलब यह होता है कि जिस भी दिशा में हवा का प्रवाह है उस दिशा के तरफ मुख पर अपना मुख कर आपका दायां और आपका बायां इस हवा के लिए बायां और दायां हो जाएगा। इसलिए इसके लिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन ये है। और हवा का नामकरण में समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जिस तरफ से भी हवा आ रही है उस दिशा के नाम पर ही उस हवा का नामकरण किया जाता है। जैसे अगर हमारा डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो ये हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो इसे वेस्टर्लीज या पछुआ पवन, अगर ये हवा इस तरफ से चलती है तो पूर्वी पवन कही जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि पूरे पृथ्वी पर जो ग्लोबल विंड्स है, वैश्विक पवन है, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनके चलने का आधार क्या है और किस प्रकार से वो विचलित होती हैं, उनसे किस प्रकार से पहले के लोगों को फायदा हो रहा था या आज भी फायदा हो रहा है और उसका कैसे उपयोग किया जाता है। आगे के वीडियो को जारी रखने के लिए, आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंचने के लिए आप करियर नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन हो कि आज कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। एक एक कर हम आगे जीएस के अलग अलग क्लासेस को भी इसमें शामिल करते रहेंगे। धन्यवाद।